हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डीएफसी ट्रैक पर भारी पड़ रही मिस्टेक, ट्रैक के पास सुरक्षा दीवार का अभाव, ट्रक की चपेट में आ चुके हैं दो गायब बछड़े। सुरक्षा दीवार के अभाव में दिन भर ट्रैक पर रहती है आवाजाही। डीएफसी ट्रैक पर निर्माणाधीन गांधीनगर ब्रिज पर पावर हाउस के पास व डीजल शेड के प्रवेश द्वार के आसपास सुरक्षा दीवार का अभाव है। नतीजतन आए दिन गौवंश हादसे का शिकार हो चले हैं। सुरक्षा दीवार के अभाव में दिन भर डीएफसी ट्रैक पर लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में 24 घंटे व्यस्त रहने वाले डीएफसी ट्रैक पर ना जाने कब कल की ट्रेन आ जाए, कहां नहीं जा सकता। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की ओर से आबू रोड पालनपुर खंड पर डीएफसी ट्रैक डाली जा चुकी है, जिस पर नॉनस्टॉप ट्रेनों की आवाजाही भी शुरू हो चुकी है। DFCCIL की ओर से ट्रक के पास सीमेंट की सुरक्षा दीवार भी बनाई जा रही है। लुनियापुरा अंडरब्रिज से लेकर RPF ग्राउंड के क्वार्टर तक सुरक्षा दीवार बनाई जा चुकी है। क्षेत्र में सुरक्षा दीवार बनाए जाने से ट्रक पर आवारा मवेशियों व लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो चुकी है, लेकिन निर्माणाधीन गांधीनगर ओवरब्रिज पर डिस्कॉम कार्यालय के पास पुरानी लॉबी के सामने सुरक्षा दीवार का अभाव है। वहीं डीजल शेड के प्रवेश द्वार के सामने गली के रहवासी बस्ती स्थित है, इसके बावजूद वहां व आसपास सुरक्षा दीवार नहीं बनाई गई है, जिससे मवेशी व गौवंश ट्रैक पर चले जाते हैं। इसी के चलते 4 दिन पूर्व दो गाय व दो बछड़े ट्रेन की चपेट में आकर काल कलवित हो चुके हैं। वहीं ट्रैक पर लोगों की आवाजाही भी निर्बोध रूप से जारी रहती है। लोगों की ओर से संबंधित क्षेत्र में सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की जा रही है। सांसों में घुलती दुर्गंध, डीजल शेड के प्रवेश द्वार के पास डीएफसी की ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से काल का ग्रास बने मवेशियों के शवों से उठती दुर्गंध से सांस लेना दुर्लभ हो चुका है। लोगों के मुताबिक इस बारे में संबंधित अधिकारियों को भी अवगत कराया गया, लेकिन मृत मवेशियों के शत विशत शवों को नहीं हटाया गया। ऐसे में दुर्गंध से उनका जीना मुहाल हो चुका है। हमेशा ग्रीन सिग्नल, डीएफसी ट्रैक पर हमेशा सिग्नल ग्रीन ही रहता है। नतीजतन दिन भर रफ्तार से नॉनस्टॉप ट्रेन दौड़ती रहती है। ट्रैक पर लगातार ट्रेनों की आवाजाही रहती है। ऐसे में सुरक्षा दीवार नहीं होने से हादसों की संभावनाएं बनी हुई है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए कांतिलाल परिहार, स्थानीय निवासी, इन्होंने ये कहा। यहाँ पर डीजल सेट का ट्रैक डाला हुआ है, उससे हमें बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि 2-4-5 दिन पहले ही दो गाय और बछड़े कट गए हैं। कल को कोई आदमी मर मरा गया आपके, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर दीवार का इंतजाम करें और इस कार्य को रोकें, क्योंकि गाड़ियाँ भी बहुत तेज चलती हैं और हमारे मकान को बहुत परेशानी होती है, मकान हिलता भी है। जागरूक टीवी की आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।